Hey guys, click on the bell icon to get amazing web series from Dice Media. Fuck man, this can't be happening. Papa? कहाँ जा रहे हैं आप? उठ गए यार, डरा दिया था आपने, पता मुझे, अब ठीक है? कहाँ जा रहे हम लोग? हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, आप बेहोश हो गए थे। आपको चेस्ट पेन तो नहीं हो रही है? नहीं, कुछ नहीं। आपको पानी चाहिए तो मुझे बताइए प्लीज। मैं अभी, अगर आपको चाहिए तो मैं गाड़ी रोक के आपको सीपीआर दे सकता हूँ, प्लीज। ओके, आई नो इट। क्या बोला तुमने? सीपीआर, आई नो इट। निखिल, कुछ भी हो जाए मुझे माउथ टू माउथ मत करना यार, प्लीज। आई बेग यू, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, नो माउथ टू माउथ। मरने देना मेरे को, लेकिन माउथ टू माउथ प्लीज। मैं बाई चांस बच भी गया ना, मुझे बहुत खराब लगेगा, एम्बैरेसिंग। प्लीज, आप कैसी बात करें? एक सेकंड, जस्ट लेट मी Google, tell me the nearest hospital. Nearest hospital is Saket Maternity Clinic. Maternity clinic जाके क्या करेंगे हम लोग? पापा जा थोड़ी रहे हैं। हाँ। बताया ना भाई, let me बताया just check. तो वो तुम उसी को follow करोगे जो बोलती है वही। Okay, wait. इसको follow मत करो ना, मुझे मालूम है यहाँ। हाँ ठीक है, मैं आपकी बात सुनूंगा। हाँ। आप प्लीज आराम से बैठो ना पापा। मैं आराम से बैठूँ यार। आप आराम से, आप प्लीज पैनिक मत कीजिए, ओके? नहीं, नहीं कर रहा हूँ मैं। अरे मुझको मालूम नहीं यहाँ के हॉस्पिटल, मैं बताता हूँ। बताओ कौन सा हॉस्पिटल है? अपन वहाँ चलते हैं, के हमारा डॉक्टर, मेडिकेयर वहाँ चलते हैं। मेडिकेयर, ओके ओके ओके। गूगल मेडिकेयर हॉस्पिटल। मेडिकेयर हॉस्पिटल 2.1। ये रहा बगल में, कितना बता रही है देखो। इसके मत यहां से तो 3 मिनट बता रही है। हाँ, 3-2 मिनट है मुश्किल। पापा मत हॉन्ग करो प्लीज। अरे ऑटो आ गया पापा, कैसे लोग चलाते हैं गाड़ियां पे। सॉरी, ओके। दिल्ली वाले ना, वो राइट से आ रहा है, देखो देखा। आई एम सॉरी, ओके, आप बैठिए आराम से। मैं आराम से, ओके। थोड़ा रेडियो चलाना, कुछ गाने वाने सुनते हैं। ये लो, ये क्या लगाया यार? व्हाट, क्या ये? ओके, रेडियो है पापा। ये है स्टेशन। अगला गाना रेट्रो स्टाइल। कुछ दिनों से जिंदगी। नाइस नाइस, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। मुझे मालूम है वो क्रिकेट क्या बोलेगा। वहाँ जाएंगे, वो बोलेगा, लिटा देगा मेरे को, बोलेगा मिस्टर शर्मा आपको फिर से हाइपरटेंशन का अटैक। एक साल में दूसरी बार, इट्स नॉट गुड। 3 साल पहले हुआ था, कौन सा चल रहा है? 2017 लगा लो आप, 2000 मई जून में पीछे जाते हैं ना, मई से पीछे। 20th January 2017 और आपकी उस वक्त की रीडिंग थी 152/88 और आज है 148/94। दिस सीरियस राइट नाउ? इंजेक्शन? इंजेक्शन क्यों? पिछली बार तो आपने दवाई दी थी, इस बार आप इंजेक्शन लगा रहे हैं। हर बार आप चेंज कर दे। शर्मा जी, इंजेक्शन आपकी वीकनेस के लिए, आप 1-2 घंटे में फटाक से यू विल फील बेटर। हाँ। अरे बेटर करने के लिए दवाइयां भी तो होती हैं, इंजेक्शन लगाओगे आप? शर्मा जी, आप दवाई कहाँ लेते हैं? लेते हैं नहीं लेते हैं? नहीं लेते हैं ना। आप इंजेक्शन लीजिए, यू विल फील गुड, ओके? हाँ। इंजेक्शन कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप मेरा डर लगता है क्या आपको इंजेक्शन से? डर क्यों लगेगा, बिल्कुल डर नहीं लगता। क्या होता है, आप लगाते हो इंजेक्शन, अवेयरनेस फैलिंग हो जाती है, तो मैं वेट नहीं उठा पाता। पूछो निखिल से, ये दमा दे मेरा, बाल्टी नहीं उठा पा रहा था। एग्जैक्टली, याद है? तो ठीक है, फिर मैं पीछे लगा देता हूं इंजेक्शन। अरे क्या लगा दे कर रहे हो आप? लगाओ ना, फिर जब बोल रहे हो तो लगाओ, फिर आप लगा दे, लगा दे, बोल क्यों रहे हो? लगाओ फिर आप। टर्न करिए, टर्न करिए, टर्न करिए। तुम कहां से हो यार? तुमको डर नहीं लगता क्या? तुमको डर नहीं होता? नहीं नहीं लगता है, क्यों नहीं लगता? डर तो सबको लगता है, मुझे आपको जोक अच्छा लगा। हां सच्ची? हां आप लीडिंग तो नहीं हो रहा है, चेक तो कर लो। पता है, हिज नेम इज नॉट डॉक्टर के, ही इज बिजनेसमैन के। हालांकि अब तुमको अच्छा नहीं लगेगा बोलते हो, लेकिन इससे पेट दर्द की दवाई लेने आओ ना, दवाई खाओ, पेट ठीक हो जाएगा, टांग से ठीक हो जाएगा। Never mind, I'm gonna let some contradictions be silenced. It's just like an apple on a tree, once a day keeps the doctor away, but there'll be trouble, I feel it coming this way. So I tell myself that it don't mean shit. If it just don't fit, I'm still ready for it. And I feel the love that is like moonlight, and it just don't fit, makes me feel alright. Oh,
makes me feel alright. भैया भगवान का लाख लाख शुक्र है, आप ठीक हैं। अच्छा हुआ निखिल वहां वक्त से पहुंच गया। वो बोला, अरे के डॉक्टर थोड़ी है, ऐसे ही बात का बतंगड़ बना देता है। पापा आप अब रिलैक्स करो प्लीज, आपका फोन नहीं लग रहा था, मेरी तो जान निकल रही थी। फिर अच्छा हुआ अक्षता ने फोन करके मुझे बता दिया कि आप आ रहे हैं। मेरा फोन कहाँ गया? आपका फोन मेरे पास है, वो गिर गया था यहाँ पे, देखो ऑन है कि नहीं, आई डोंट नो। अच्छा डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि बीपी बहुत हाई है माँ, मतलब हमें कल 3-4 बार एटलीस्ट चेक करना पड़ेगा जस्ट टू मेक श्योर। दवाइयाँ दी हैं रोज खाने के लिए, आपको खानी है दवाइयाँ। दवाइयाँ मैं नीचे ही भूला है, मैं लिख रहा हूँ। अरे कोई बात नहीं बेटा, अक्षता लेकर आएगी, तो नीचे जा गाड़ी से दवाइयाँ ला और आते समय एक नारियल भी लेके आना। ठीक है, पर पापा आप जॉगिंग वॉगिंग शुरू कर लो निखिल की तरह। हाँ करेंगे ना, जिस दिन तुम सुबह 6 बजे उठोगी मुझे उठाओगी, जॉगिंग क्या मैराथन पे चलेंगे। मैं ना सुबह उठ के मेरे रूम में योगा करती हूँ, आप जॉगिंग या स्ट्रेचिंग कुछ तो शुरू करो, मैं कब से बता रही हूँ आपको। योगा करती हूँ सुबह अपने कमरे में। हाँ सही तो कहती है, आप बस खाते रहते हो और पेपर पढ़ते रहते हो। आज ही करवा लेना सब, जिम भी करवा लो योगा भी करा लो, दौड़ने भी चला जाता हूँ। ये लो, एक तो पहले चिंता करो फिर ताने सुनो। एक खुशखबरी तुमको कैसे मिली? अरे निखिल ने बताया। तुमने कैसे बताया इसको? अरे आप गाड़ी के बाहर देख रहे थे, आई जस्ट टेक्स्टेड हर। ड्राइविंग एंड टेक्स्टिंग? अरे पर शुक्र है आ तो गया ना, थैंक यू सो मच बेटा। अरे इट्स ओके, अभी ही इज फाइन नाउ, इट्स ऑल गुड। आपने अनीता को बताया कि हम आ गए? नहीं नहीं, उसको फोन करना है। सेतु बंद सर्वांगासन। क्या क्या होता है बताओ? पापा मेरा फेवरेट ना शवासन है। वो मेरा भी फेवरेट। अच्छा आप बात करना बंद कीजिए और आराम कीजिए, योगा सिखा रहे हैं। तो पापा सर्वांगासन। हाय बेटा। हाय पापा, आप ठीक तो हो ना? अरे हाँ मैं एकदम ठीक हूँ यार, ये कुछ नहीं वीकनेस होगी थोड़ी बस, और क्या, आई एम फाइन यार। थैंक गॉड। आपने आपने कुछ खाया? हाँ डॉक्टर की डांट खाई, इंजेक्शन खाया, मतलब लगवाया, और लगाया भी कहाँ। आई लव यू पापा। आई लव यू टू बेटा। माँ कहाँ? हाँ मम्मी है ना। अच्छा ये नया सुना तुमने, अक्षता योगा करती है अपने कमरे में सुबह सुबह। हेलो। हाय माँ। हाय बेटा कैसी हो? I'm so sorry माँ। अरे रहने दो बेटा, अभी सब पुरानी बात है। अच्छा बताओ कहाँ हो, ऑफिस में कि घर पे? बस निकल ही रही हूँ। माँ ये ओके ना? अरे मुझे क्या हुआ है, मुझे कभी कुछ हो सकता है? नहीं माँ आपको कभी कुछ नहीं हो सकता है। लव यू बेटा, बाय। माँ कुछ काम करवाना है मुझे बता दो। नहीं नहीं बेटा कर लूंगी मैं। हाँ अक्षु जब पता है मैं दवाई लेके आती हूँ। और नारियल? हाँ और नारियल, नारियल बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। अक्षु मेरा वॉलेट भी लेती है ना प्लीज। हाँ वो सेकंड ड्रॉअर में है राइट साइड में। अब आप जरा आराम से बैठो। अरे अच्छा हुआ ना बात होगी, कब तक नाराज रहते। पानी पियेंगे? कुछ खिला दो यार। खिचड़ी बनाओ। खिचड़ी बनाओगी? आप इतनी बड़ी जंग जो जीत कर आए हो, अक्षु जब तक आती है तब तक खिचड़ी बन भी जाएगी। पापा वॉलेट। लो पैसे लेती जाओ। पापा है मेरे पास। अरे रुको तो सही। पापा प्लीज आई एम अर्निंग। और इस टाइम दवाई अच्छे से खाना हर रोज। मैं इस बार कुछ और करूंगा, मैं यहाँ खड़ा हूँ खिड़की पे, नीचे जो बच्चे खेल रहे होंगे ना टैबलेट लूंगा और बच्चों को मारूंगा। क्या देखो कैसे बोलते हैं। ओके पापा प्लीज यार कम ऑन। निखिल कितने बजे हुए? मतलब डॉक्टर के कितने बजे हुए? अरे पापा इट्स ओके मैंने दे दिए पैसे। नो नो इट्स नॉट ओके, इट्स नॉट ओके। इतना कुछ कर रहे हो यार? नहीं नहीं अरे इतना कुछ क्या, मैं पैसे बेटा उसमें क्या है? नहीं नहीं यार, अरे दामाद हो तुम हमारे, हम तुमसे पैसे थोड़ी लेंगे। और क्या कर सकते हो, इट्स ओके प्लीज। आप पैसे प्लीज में मत लाइए ना, और बात पे इंजेक्शन लगाते हैं, मैंने बोला दवाई दो, ये बहुत ही एक्सपेंसिव होगा। पकड़ाओ ना, ये कम होंगे मैं कबर्ड में से ले आऊंगा। अरे ये तो नहीं नहीं कम होंगे तो मैं कबर्ड में से निकाल के देती हूं ना अलमारी में से। अरे ये तो ज्यादा है, ये इससे ज्यादा है यार। I'm sorry, मुझे नहीं चिल्लाना चाहिए था। आप मुझे पैसे दे रहे हैं पापा, सीरियसली? अरे बेटा पर तुमने हमारी कितनी मदद की। क्या मदद की है माँ, ऐसी क्या मदद कर दी मैंने? कोई भी होता मेरी जगह तो यही करता ना, मैंने कोई अलग से फेवर तो नहीं किया।
आई मीन मैं घर आता हूँ, मैं पापा को इस हालत में देखता हूँ, तो ऑब्वियसली मैं उनको डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा ना, अंदर जाके अपने लिए चाय तो नहीं बनाने लग जाऊंगा। अरे बेटा हमें नहीं पता था तुम्हें इतना बुरा लगेगा। ठीक है, बहुत चार्ज करता है आजकल, बहुत ज्यादा वो चार्ज करता है। कितने महंगे हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। ओके टेल मी वन थिंग, अनीता और अक्षिता को कभी आप पैसे देने के लिए इतना इंसिस्ट करते? See, that's what I fucking mean. यार, I'm sorry. मैं जुबान थोड़ी, I'm sorry. It's okay बेटा, हो जाता है कभी कभी, गलती से मुंह से निकल जाता है, it's all right, no problem. Problem होनी चाहिए ना माँ, होनी चाहिए ना problem. कोई भी अगर गाली दे आपको नहीं अच्छा लगता है ना, you don't like it. उस दिन अनीता ने यहाँ बैठ के bloody बोला था और आपने उसको सबके सामने डांट दिया था और मैंने I said the F word. And suddenly कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं। ये अलग अलग रूल्स क्यों? रूल्स रूल्स नहीं है ये, बस बस यू यू तुम हमारे हमारे व्हाट दामाद हूं यार, दामाद हूं तो क्या हुआ, मैं मेसी तो नहीं हूं ना यार। कौन? वो हॉकी का प्लेयर है ना जर्मनी से। मैं सचिन तेंदुलकर तो नहीं हूं ना, तो इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? Why? आप लोगों की थिंकिंग इतनी ओल्ड फैशन क्यों है? नहीं वो ऐसा है, आपने अनीता और अक्षिता को एकदम फॉरवर्ड थिंकिंग अपब्रिंगिंग दे दी, लेकिन मेरे टाइम पे आपकी सोच एकदम से बदल गई। नहीं नहीं ऐसा नहीं सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज इट्स नॉट पर्सनल निखिल। देन प्लीज पापा, प्लीज मेक इट पर्सनल, आई वॉन्ट यू टू मेक इट पर्सनल। आपकी गाड़ी किसने ठोकी पापा? वो बीविंग वाले बंगाली जो बच्चे बच्चे बीविंग के बच्चे। सीरियसली आपको और कुछ नहीं मिला? बीविंग के बच्चे, आपको पता है कि मुझे पता है कि आपको पता है, आप दोनों को पता है कि गाड़ी मैंने ठोकी थी, पर आपने मुझे कुछ नहीं कहा। मां आपको कितना पसंद था वो मिक्सर, मैंने एक्सचेंज करवा दिया, इतना महंगा इलेक्ट्रिशियन लेके आया, आपकी सारी तारें हिला दी, पूरा घर उथल पुथल कर दिया, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं कहा। अरे बेटा पर तुमको पता कहां था उस मिक्सर के बारे में, और ले आए ना वापस। रहमान को भी इतना बुरा नहीं लगा, मतलब बोला था यार मुझे तो बुरा लगा ना, मुझे बुरा लगा था। Instead of yelling at me, आप दोनों आपस में झगड़ने लग पड़े यार, why? अरे वो तो हम जब बोर जाते हैं हम लड़ने लगते हैं तुमसे। पापा प्लीज सीरियस बात कर रहा हूँ ना, प्लीज आप हर बात पे जोक नहीं बना सकते ना, इट्स नॉट फनी ऑलवेज। अरे बेटा इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, बात कर तो रहे हैं। नो मां, आई वांट यू गाइस टू टेक इट सीरियसली, लेट्स सॉर्ट इट आउट टुडे। हां तो हम बैठकर बात कर रहे हैं ना, तो हर बात पे ये मजाक करते रहते हैं यार, हर बात इनको फनी लगते हैं, एवरीथिंग इज सो फनी, हा हा हा। इट्स नॉट फनी, पापा के बारे में इस तरह बात मत करो। बेटा मुझे इस तरह तुम्हें डांटना नहीं चाहिए था, लेकिन माँ मुझे डांटो, मैं यही तो चाहता हूँ, इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि आप मुझे डांटो, मैं चाहता हूँ कि आप इतने कंफर्टेबल हो कि आप मुझे मुझ पे चिल्ला सको यार। आई अंडरस्टैंड आप दोनों मुझे कंफर्टेबल करवाने के चक्कर में ये सब कर रहे हैं, बट डोंट पुट योर लाइफ ऑन होल्ड। ये क्या बात हुई, ट्यूजडे को अंडे, बेडसाइड चाय, एपिगामिया से आपने पूरा फ्रिज भर दिया यार। पहले तो ये सब कभी नहीं होता था, एकदम से क्यों? क्योंकि आपने मेरे बारे में कुछ कह दिया था एक साल पहले। मां लुक एट मी, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा था, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा था, बस एज वाली बात अनीता को थोड़ी चुप गई। अगर आपको सॉरी बोलना चाहिए आप उससे सॉरी बोलिए, मुझसे नहीं। apologize from his right. आई कैन अंडरस्टैंड कि इनिशियली आपके लिए मुश्किल था, नो मैं समझ सकता हूँ, ये एज का इशू, देन मेरी होल वाली चप्पल एंड ऑल दी अदर थिंग्स, आई कैन अंडरस्टैंड, बट इट्स ओके ना, हो गया। और अगर आज पापा का हेल्थ केयर नहीं होता माँ, तो आपका और अनीता का कोल्ड वॉर अभी भी चल रहा होता, नहीं? फक, मैं भूल गया मेरा पॉइंट क्या था। आई थिंक तुम कहना चाह रहे थे कि हम तुम्हें और अनीता को और अक्षता को इक्वली ट्रीट करें। That's what you were saying. Please. That's exactly what I want. Papa, please यार, please ये दामाद खातिरदारी जिस खिड़की से निकाल के बाहर फेंक दो। नहीं, नहीं नहीं करेंगे। हम try करेंगे। हम लोग ऐसा कोई intention नहीं था। पर बेटा ये सब चीजें तुम पहले कहते तो आसानी से हो जाती ना। हम करते ही नहीं ऐसा। हाँ, और एक दिन में थोड़ी सब बदलाव आएगा। I understand. Just मैं एकदम से ऐसे बोल पड़ा। Listen, देखिए हर आदमी परफेक्ट नहीं होता, राइट? तो मुझ में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी,
जैसे आई एम बीइंग ऑनेस्ट टू यू आई वांट यू गाइस टू बी ऑनेस्ट टू मी निखिल देयर इज नथिंग यू 10 आउट ऑफ 10 देयर इज नथिंग प्लीज यार आई एम श्योर कुछ तो होगा यार एक प्रॉब्लम तो होगी कुछ तो होगा वो तुम अपने जॉगिंग के जूते घर में पहनकर आते हो किचन में वो बस हाँ वो है ओके अंडरस्टूड आज से मैं सारे जूते बाहर रखूंगा जूतों के बिना एंटर करूंगा सिंपल सी यू जस्ट हैव टू टॉक टू मी एग्जैक्टली एंड देन इट्स ऑल बस खत्म सॉल्व हो गया और बेटा तुम हर काम लास्ट मिनट पे करते हो आप बहुत जल्दी करते हो तुम बहुत जल्दी मचाते हो उसके I know Anita has the same problem with me. Okay, yeah. I'll plan things better. This time I promise. I'll plan things better. बिल्कुल okay. और प्रमिला कह रही थी कि पार्टी के दिन तुम बाथरूम का दरवाजा खुला छोड़कर बैठे थे उस दिन पार्टी के दिन क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ. I was just 503 में पार करते हो तुम हमेशा. पापा वो आठ मतलब वो आधा मिटा हुआ था मुझे. फ्रिज का दरवाजा ना ठीक से बंद कर दिया करो. और जब घर से निकलो रुमाल और पेन ये तुम्हारे पास जरूर होना चाहिए. और एसी बंद करके निकलो. बहुत काम करते हो तुम. और वो अपने ग्रीक योगर्ट के खाली डब्बे डस्टबिन में डाल दो. हाँ नो टेक्स्टिंग एंड ड्राइविंग. और पानी की बोतल खाली बोतल भर के फ्रिज में वापस रख दो. क्या दिक्चिक दिक्चिक म्यूजिक सुनते गजल लगा करो. और सोते समय टी शर्ट पहना करो ना सर्दी लग जाएगी तुमको. टिप क्यों देते हो रेस्टोरेंट में. दो से ज्यादा पराठे खाओ जरा सेहत तो बनाओ अपनी. और ये अच्छा है ये टक इन शर्ट अच्छा है अंदर रखा करो शर्ट. यू लुक स्मार्ट. कुछ अजीब अजीब वर्ड्स वाले कच्छे पहनते हो तुम. मैंने भी खरीदा हुआ है. मत करो ना. मैंने भी खरीद लिया. ए तू क्या कर रही है इधर. ये मेरा घर नहीं है. आओ बैठो. कहाँ जा रही हो. निखिल के साथ मन की बात कर रहे हैं. अब क्या बैन हो रहा है. स्मोकिंग. डिनर के बाद टेरेस पे पहुंच जाते हो तुम लोग हैं. और डीओ ना खाते नहीं लगाते हैं नहाते भी नहीं उससे. और अक्षता तो दिन भर फोन पर टिक 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 करती रहती है. वो बैंगलोर जा रही हो. हमको बताया तक नहीं तुमने. मैं पापा. क्या पापा. आप मेन पॉइंट भूल रहे हो. आप निखिल को डांट रहे थे. हाँ, निखिल. अरे हाँ. और कितना काम करोगे. हनीमून पे जाने वाले हो या नहीं. और लेफ्ट मुड़ते तो इंडिकेटर दे दिया करो. प्लीज टी शर्ट पहनकर सोया करो. जुकाम लग जाएगा सर्दी खांसी हो जाएगी तो फिर. तुम्हारे अकाउंट में पैसे क्यों नहीं है. सेविंग्स क्यों नहीं करते. और तुम्हारे मम्मी पापा फोन करते हैं तो जरा लंबी बात करो. दो जॉगिंग क्यों करते हो. योगा क्या करो. ये तुम्हारा आईब्रो थोड़ा सा ट्रिम करते हो. तुम्हारा एक बाल ये पीछे हमेशा खड़ा रहता है. और रैली स्प्रे डिओड्रेंट की तरह क्यों लगाते हो. क्यों लगाते हो उसको तुम. दर्द हो रहा है. और तुम्हारे चश्मा सूट नहीं करता बेटा. चेंज करवाओ. और रिमलेस फ्रेम करो. हाँ लाइक योर डैड ना. पापा पहनते थे कितने अच्छे लगते थे ना. देखो ना. और ये दाढ़ी क्यों बढ़ा के रखी. देवदास बनना है क्या. कितनी अच्छी शक्ल है. बोला रैली स्प्रे. रियली अनु इट वाज ब्रूटल. Well, you wanted all this पूरे दिल से acceptance and all that, so हो गई ना तुम्हारी wish पूरी. अरे अनु, I had to say it यार. And you see this whole तमाजी business is nonsense anyway. I know, I get it. I mean, I agree. So, are we okay? Yeah. Look, I'm sorry. I mean, you were just trying to help, and I went all झांसी की रानी on your ass. Hey, you can go all Jhansi ki Rani on me if you want, you know. Hey, you think you can come back, like, jaldi se? Because I'm, like, fully missing you now. Anu, I might take a little longer. Yeah, how much longer? I don't know, yaar. But will you be okay? Yeah, I mean, I just want you back. I know. Okay, listen. I was thinking when you come back, let's go on like a chota sa vacation or something, na? What do you say? Wait a minute. Are you trying to cut out me saste mein? Listen, I want a proper honeymoon. Oh, I'll give you a very proper honeymoon. No shady comments. I love you. I love you too. Thank you for the laughs. I really needed that. And thanks for being there for Papa. It means a lot. Do you want to keep the call on and fall asleep ek saath? That would be super creepy. Anu, yeah, please. Okay. But no shady comments. Okay. Cool. Okay. Why are you looking so smug? क्या चल रहा है आपके दिमाग में? Magic trick. आज मैं इनको मैजिक ट्रिक दिखाने वाला हूँ. फूक मारो.
चलिए। Oh my God, no, I miss this. तो आ जा ना। नहीं नहीं मत आ। कैसे आऊँ यार माँ, कितना काम है। Oh, speaking of काम, लेकिन जी आपके कोई plans हैं दिल्ली काफी सारे के? Nope. अगर निखिल जीता समझो आपने चीटिंग की। हम अच्छे प्लेयर्स हैं। अरे हम जीतने देंगे तभी तो कोई। अरे हम भी देखते हैं कैसे नहीं जीतने देंगे। प्लीज डील फास्टर फर्स्ट। फाइन आई एम डूइंग इट ओके। सुधा कॉफी बनाओ। मैं कभी आप भी बना लिया करो ना कॉफी। आजकल इस घर में चाय बन रही है। अरे मैं बना देता हूँ। वो बनाओ ना स्मूदी, उस दिन जो बनाई थी बहुत अच्छी थी। है? ये क्या? ठीक है। मिल्क शेक? नहीं नहीं वो एपिगामिया योगर्ट को मिक्सर में डाल के बहुत अच्छा बनाता है। सेम थिंग पापा। फैंसी? नहीं फैंसी मिल्क शेक। चलो फैंसी मिल्क शेक। वैनिला? वैनिला फ्लेवर मुझे चाहिए। आई विल टेक मैंगो। मुझे 5 मिनट लगेंगे। आई डोंट वांट यू टू लुक एट माय कार्ड्स। नेवर। आई विल मेक श्योर। प्लीज मैम बिकॉज आई नो दैट सम पीपल। मैं भी चलता हूँ। कैसे बनती है? मैं बताता हूँ चलो। सीधा? हाँ। मामा चीटिंग कर रही है। नहीं मैं नहीं करी। सुधा नो चीटिंग। Ladies and ladies, and here come. Oh, wow. This sare flavors? Ji, that's mango. This is vanilla. This is strawberry. और ये आपका raspberry. Thank you. I'm feeling damn left out. अरे उससे भी बात कर लो यार कोई. तू बैठ. पापा ने पूरा फ्रिज एपिगामिया से भर दिया तो मैंने सोचा सब फ्लेवर बना देता हूँ. Sorry. चलो. अरे यार बहुत बुरे पत्ते हैं. आपके भी? अच्छा खेलो ना। अनीता वुड यू लाइक टू टेल अस समथिंग? खेलो ना। चलो चलो खेलो। अच्छा मैं खेलती हूँ। मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके। अरे एक सेकेंड संडू उसका फोन आ रहा है। अरे रोहन का कॉल है एक मिनट। हाँ ओके यार अभी उसकी टर्न है। बड़ा अच्छा मिक्सर लाया सबका जूस निकाल देता है। हाँ ऑब्वियसली पापा मेरी माँ का दिया हो तो कुछ पसंद नहीं आता है आपको। उसकी बेटी तो पसंद है। क्या हो रहा है? जाओगे ना बेंगलोर मिलेगा वहाँ कोई है ना। सुन यार मेरी मिस्टर ग्रीन से बात हुई बॉम्बे ऑपरेशंस के बारे में पूछ रहे थे। ओके ओके क्या भाई कुछ सोचा तूने? देख यार आजा बॉम्बे एक साल की बात है अब तो तेरी फैमिली भी यहाँ है। ओए अनीता से बात की क्या तूने? निखिल हाँ अरे नहीं अनीता से भी बात करनी है मुझे अभी की नहीं है। क्या कर रहा है यार? बट जस्ट गिव मी अ डे और टू आई विल गेट बैक टू यू। निखिल मुझे बहुत स्ट्रेस है यार इसको लेकर। डोंट वरी रोहन will be all right. I hope so man. Chal rakhta hu. Bye. Okay then. Khele? Chalo chalo. Ye namkeen bahut acha hai lo. Rohan kya bol raha tha Nikhil? Are nothing just work things. Don't worry. Agli baar na Christian boss dhoondna. They're not allowed to work on Sundays. Oh, Papa! Joke. अच्छा चलो। तुम्हारी बारी निकल खेलो। Okay, wait. चलो। तैयार हैं आप हारने के लिए? हाँ। There we go. Give me on top. When we try to fit in, a couple of things happen. In the beginning, the world loses shape,
And you feel like you're dining with the president in the costume of an ape. So I tell myself that it don't mean shit if it just don't fit. I'm still ready for it. And I feel the love, and it's like moonlight when it just don't fit. It makes me feel alright. Oh, love makes me feel alright. So right. I'm crash your car. You smile like it's alright. Never mind, I'm gonna let some contradictions be silenced. It's just like an apple on a tree. Once a day keeps the doctor away, but there'll be trouble. I feel it coming this way. So I tell myself that it don't mean shit if it just don't fit. I'm still ready for it. And I feel the love that is like moonlight, and it just don't fit. It makes me feel alright. Makes me feel alright. Love makes me feel alright.